माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आग्रह में एक कार्बी आलोंग एकॉर्ड हम लोग करने जा रहा हूं। इस एकॉर्ड का जो बुनियादी ढांचा है कि पहला बार कार्बी आलोंग ऑटोनोमस काउंसिल में कार्बी और शिड्यूल ट्राइब लोगों को रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। आसाम में काफी सिख शिड्यूल्स था, डिमा हासाओ एंड कार्बी आलोंग, सारा उत्तर पूर्व में सिख शिड्यूल है, लेकिन कोई सिख शिड्यूल में जनजाति के लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था नहीं था। ये एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है जहां में हिल्स ट्राइब को भी एक रिजर्वेशन का मार्ग ये एकॉर्ड से खोलेगा। प्लेन्स में जो कार्बी लोग बसता था, ये लोग ना शिड्यूल ट्राइब हिल्स था, शिड्यूल ट्राइब प्लेन्स था। ये लोगों का एकदम इकोनॉमिकली वो लोग डिप्राइव था। ये एकॉर्ड से उनको भी शिड्यूल ट्राइब स्टेटस जो बहुत पहले मिलना चाहिए था उनका रास्ता भी खुलेगा। मैं बहुत ही आनंदित हूं किसलिए आसाम का दोनों ट्राइबल भाई कार्बी बोडो सारे लोग आज खुश है, मूल धारा में वो लोग लौट के आया और एक साथ मिल के आज आसाम को सब लोग प्रगति का ओर लेके जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गृह मंत्री जी, 2019 में आपने ब्रू एकॉर्ड किया, फिर बाद में बोडो एकॉर्ड किया, दोनों ही बहुत सफल एकॉर्ड रहा। और आज हम आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका समक्ष, आपका सामने अभी जो कार्बी एकॉर्ड साइन होने जा रहा है, इसको भी सफल बनाने के लिए राज्य सरकार का ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा। आपका मार्गदर्शन में हम एकॉर्ड में जो भी बात लिखा गया है सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा हम लोग कोशिश करेगा। एक विषय रह गया है, कार्बी भाई लोग अपना लैंग्वेज का डेवलपमेंट चाहते हैं, नेशनल लेवल में लैंग्वेज को लेके आना चाहते हैं। आसाम में कार्बी को एसोसिएट लैंग्वेज वो लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट का विषय अभी भी हम लोग को आगे कुछ काम करना है। तो हम आपसे 6 महीना का समय लेता हूं, हम लोग सारे लोगों से बातचीत करके उस विषय को भी हम लोग निपटा लेगा एक इन एनवायरमेंट ऑफ डायलॉग एंड कंसल्टेशन, उसको भी हम लोग रिजॉल्व करेगा और कार्बी लैंग्वेज को भी नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए असम का एक एसोसिएट लैंग्वेज बनाने का ओर हम लोग आगे लेके जाएगा। मैं बहुत बोलना नहीं चाहता हूँ, भल्ला जी, डीआईबी साहब, हमारा एडवाइजर नॉर्थ ईस्ट, सारे लोग ये लास्ट 1 ईयर इस काम में लगे रहे। मैं सारे लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक असम शांति का ओर आगे बढ़ेगा इस एकॉर्ड से। आसाम का लोग हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को हमेशा याद करेगा। हमारा जनजातीय लोग हमेशा याद करेगा कि आपने जो सब लोगों को जैसा प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। और मेरा मानना है कि आसाम भारत का एक बहुत बड़ा राज्य होके उभरेगा, ये मैं निश्चित हूँ। और ये कदम से हम लोग को बहुत बल मिलेगा। गृह मंत्री जी, मैं आपको पुनः धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत